बीच में जो मेरी कक्षाएं हो रही हैं वो इसी का प्रयास है कि किस तरह से अपना नया साल आप अपने लिए बहुत ही फ्रूटफुल कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कर सकते हैं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। तो सभी ओजांगियन को, सभी जितने भी हमारे एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और तब आज की क्लास में एक बहुत ही मैजिकल मैथड, जो कि मेरी कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर तैयारी कैसे करनी है, खुद को कैसे मोटिवेट रखना, क्या चीज चाहिए, तो गागर में सागर का क्वेश्चन आज जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है, जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, वो मैं तीन मेथड आपको बताऊंगा, बेस्ट मेथड, रेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड। बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा ये क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में आपको मैं आज डिफाइन करूंगा कि कैसे आप इसको प्रयोग करके अपनी पूरी तैयारी, चाहे आप किसी भी साल एग्जाम देने जा रहे हो, ये तीन मेथड, बेस्ट, रेस्ट एंड टेस्ट मेथड क्या होता है और इसके माध्यम से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और पूरे साल अगर आप इस पे काम कर पाते हैं और जो मैंने आपको 12 महीने का टाइम टेबल दिया उसके साथ अगर आप काम कर पाते हैं तो आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। तो तैयार हैं आज इस मैजिकल मेथड, बेस्ट मेथड क्या होता है पढ़ाई का, रेस्ट मेथड क्या होता है पढ़ाई का और टेस्ट मेथड क्या होता है पढ़ाई का, ये जानना बहुत जरूरी है। ये तीन गुण किसी भी स्टूडेंट को बहुत आसानी से उसके जो टॉपर बनने का सपना है उसके बीच में लेकर जा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को ऑटो करेक्ट मोड में डालना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मेथड है और ये गुरु मंत्र है नए साल के लिए मेरा कि आप किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ाई के तीनों मेथड के बारे में बात करते हैं। जो मेरा गुरु मंत्र है वो ये है कि किस तरह से आप नए साल में पढ़ाई के तीन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। पहला है बेस्ट मेथड, रेस्ट मेथड और टेस्ट मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड का अगर आप अपनी एक दिनचर्या में, एक दिन के टाइम टेबल में, अपनी पढ़ाई में इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा चेंज आएगा और साथ ही साथ ओजांग आईएएस एकेडमी का जो इकोसिस्टम है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है इस पूरे डायमेंशन को प्रिपेयर करने में, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो या कहीं और भी स्टडी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आनंद देंगी, बहुत ही तरीके से आपको पढ़ाई करने में मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले बेस्ट मेथड क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट मेथड? तो बेस्ट का मतलब होता है फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड लर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट का मतलब होता है BEST, बेसिक। हम जनरली जो है अगर हम BE के लिए हम BASIC हम यूज करते हैं तो B का मतलब होता है हम बेसिक, जो हमारी ईगरनेस है, यानी कि हम प्रारंभिक रूप से क्यूरियस होते हैं हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर बात जो करते हैं कि जो बेसिक क्यूरियस हम लोग हैं, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें चीज़ों को एग्जामिन करना आता है, हम ईगर हैं बहुत ज़्यादा समझने के लिए या हम लर्न करने के लिए, तो हम सबसे पहले बेसिक मेथड में हम बात करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करें, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जब भी आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बेसिक से अपनी शुरुआत करिए। यानी कोई भी चीज़ अगर आप तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद बेसिक्स। सीधे स्टैंडर्ड बुक में कभी भी जंप आपको नहीं करना चाहिए अंटिल अनलेस जब तक आप प्रिपेयर ना हो जाएं, एंड देन गो टू द स्टैंडर्ड। यानी आप अपनी तैयारी को, जो भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं उसको लेयर्स में बांट दीजिए। चाहे अगर आप उसमें 1.5 साल 2 साल, मैंने आपको कहा था अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको कम से कम 2 साल का टाइम टेबल बनाना चाहिए। जो बेस्ट मेथड कहता है कि हर सब्जेक्ट में क्यूरोसिटी उपलब्ध करो, ऐसे टीचर के साथ जुड़ो जो तुम्हारी क्यूरोसिटी पर फोकस करता है, तुम्हारे दिमाग जो है वो उसको खोलने का काम करता है। तो जैसे जनरली हम कॉन्सेप्टर या NCERT बैच में आते हैं तो मैं शुरुआत में कहता हूं मुझे कम से कम 15 दिन दो, पहले मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। तो जो मैं बोलता हूं पहले मैं तोड़ूंगा, यानी तुम्हारे जितने पुराने जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, आपकी रटने की आदतें, उनको पहले मैं तोड़ूंगा। तो कई बार मेरा स्टूडेंट के बीच में संघर्ष भी एक दिखाई पड़ता है, कई लोग परेशान होते हैं, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है उसको समझ में आता है कि क्या चीज़ बनाई जा रही है और हमारा दिमाग अब कैसे जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है। व्हाट इज द रेस्ट मेथड? रेस्ट में जो आरी है, That is very important. Rest is all about regeneration yourself. Regenerate. खुद को बार बार ऊर्जा से भरना, regenerate करना, उसको खुद को फिर से जो है पुनरुत्साहित करना। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया। होता क्या है कि जब हम इस तैयारी में घुसते हैं
तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा स्लगिशनेस आ जाती, बोर होने लगते हैं, लगता है कि हमारे शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को रिजनरेट करने के तरीके ढूंढते हैं। यादर आप स्पोर्ट्स में जाते हो, आप अपनी हॉबीज डेवलप करते हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो, तो इसको हम लोग रिजनरेट प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको रेस्ट पे बहुत ध्यान देना होगा। रेस्ट इज नॉट अबाउट कि लाइंग ऑन द बेड, आप जो है जाकर बेड पे सो गए। रेस्ट का मतलब होता है फाइंड आउट द रिजनरेशन स्किल, अपने टाइम टेबल में अपने आप को रिजन, थोड़ी देर आधा घंटा फुटबॉल खेलने चले गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो ऐसे हार्मोन्स जनरेट हों जो आपको खुश रखना सकें और आपकी जो निगेटिविटी है वो खत्म हो, आपको नए सोचने के रास्ते मिले। चाहे आप नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, अपनी जिम जा सकते हैं, एरोबिक सीख सकते हैं, जुम्बा, डांस, कुछ भी जो आपको आधे घंटे 45 मिनट जो आपको बॉडी में पसीना निकाले, जो आपको मूड को जो है वो हल्का करे, या आपकी क्रिएटिविटी, जब आप आर्ट सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, या कुछ भी ऐसा कुकिंग नया सीख रहे हैं, तो उससे आपकी जो मेंटल होराइजन है वो डेवलप होता है, आप एक बोरियत से बच पाते हैं। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है री इज ऑल अबाउट रेस्ट में रिजनरेट योर सेल्फ। रिजनरेट करना अपने आप को बहुत जरूरी है, बार 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 नहीं तो ये प्रक्रिया में साल डेढ़ साल आपने देखा होगा एकदम बोरियत होने लगती, क्या कर रहा हूं, खुद से क्वेश्चन पूछ लो क्या कर रहा हूं यार, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। सो इससे आपको जो है वो यहां पर काम में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलती है। दूसरा एज फॉर द साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है ध्यान, शांत रहना, खुद के अंदर जाना और खुद की आवाजों को सुनना। जिस दिन साइलेंस में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनना और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपके अंदर जो कुछ भी, जो सपने आप देख रहे हैं, उसको वास्तव में हकीकत में ले आ पाएंगे। और टी फॉर टोन योर बॉडी, भारी शरीर हो गया है जो है, आपने देखा टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़कों में कम हो गया है, सुस्ती छा रही है, बाल झड़ रहे हैं, मोटापा आ रहा है, थोड़ा सा अपने आप को टोन करना, ठीक है, योगा, एरोबिक्स, एक्सरसाइज, इनके साथ अपने आप को टोन करना, ठीक है, थोड़ी देर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करना, ताकि आप दिन भर रिचार्ज रहें। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है टेस्ट मेथड, ठीक है, टेस्ट फॉर टेक एग्जाम एंड शो योर टैलेंट, ठीक है, टेक एग्जाम यानी पहले जितना भी हो सके आप पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, कई बच्चों ने कहा, लेकिन एग्जाम के नाम से उनको घबराहट होती है, अरे पता नहीं क्या पूछ लेंगे सर, क्या होगा, नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें, एक तो पहले जीरो से हीरो का सफर तय करिए, अपने बेसिक से शुरू करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए लर्निंग प्रोसेस में जाते हुए अपने स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़िए। टेस्ट बहुत जरूरी है, टेक एग्जाम्स एंड शो योर टैलेंट, और दुनिया को दिखाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि आप कहां पे आगे जा रहे हैं, तो और उनसे बात करें, अपने जो है वो मार्क्स कंपेयर करें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेगमेंट लॉन्च किया ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ओटीपी, आप लोगों ने ये ऐप डाउनलोड कर लिया होगा या ब्राउजर पे भी जा सकते हैं। डेली इसमें ढेर सारे टेस्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें होते हैं, आप इसको जरूर यूज किया करिए, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।